चलिए, आज है आपका लेक्चर नंबर 14। आज हम लोग करने वाले हैं कंपाउंड। जैसे क्लोरोफॉर्म था वैसे ही एक कंपाउंड है आयडोफॉर्म। CHCl3 क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला था, CHI3 आयडोफॉर्म का फॉर्मूला है। थोड़ी सी कुछ स्पेशल चीजें हैं, एक आयडोफॉर्म रिएक्शन है जिससे आयडोफॉर्म बनाया जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। बाकी कुछ खास बात ऐसी है नहीं, छोटा सा टॉपिक है आयडोफॉर्म। नहीं, आयडोफॉर्म फॉर्मूला है CHI3। आयोपैक नेम बोलोगे तो ट्राई आयडो मीथेन बोलेंगे। येलो कलर के क्रिस्टल होते हैं इसके। कैसा कलर होता है इसका? हाँ, येलो कलर क्रिस्टल होगा। ठीक है, एडवांस में कई बार क्वेश्चन आए इसके रिएक्शन पे, तो बताया गया है कि कोई एक ऐसा कंपाउंड बन रहा है जिसके येलो कलर के क्रिस्टल है और उसके एक मॉलिक्यूल में 3 आयोडीन एटम हैं। इस तरीके से करके इसकी पहचान बताई गई है। एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है। अब इसको बनाने के मेथड देख लेते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आयडोफॉर्म को कैसे बना सकते? ऑनलाइन वालों को वॉइस क्लियरिटी है, आवाज सुनाई दे रही है प्रॉपर? यस। आयडोफॉर्म बनाना है तो नॉर्मल मेथड से भी बना सकते हैं, और कुछ रिएक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऐसे हैं जिनको हम बोलते हैं आयडोफॉर्म रिएक्शन, है ना। ये आयडोफॉर्म रिएक्शन आपका आता है अल्कोहल में, आप पढ़ते हो चैप्टर, और एक आप पढ़ोगे कीटोन में पढ़ोगे, है ना। तो यहीं पे आपको पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि आयडोफॉर्म टॉपिक आ गया है, तो इधर पे ही पढ़ा देते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आयडोफॉर्म बनाने का मेथड देख रहे हैं, उसमें से एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं आयडोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, इसी को हम हैलोफॉर्म रिएक्शन भी कह सकते। हैलोफॉर्म तब कहेंगे जब बनाएंगे CHX3। X3 का मतलब होगा कोई भी हेलोजन ले सकते हो, X का मतलब है क्लोरीन भी ले सकते हो, ब्रोमीन भी ले सकते हो, आयोडीन भी ले सकते हो। ठीक है, और रिएक्शन का नाम आयडोफॉर्म तब होगा जब आप बना रहे हो CHI3। एक्स की जगह आपने क्या ले लिया? I3 ले लिया, तो रिएक्शन का नाम क्या है? आयडोफॉर्म। प्रोडक्ट क्या बन रहा है? CHI3। CHI3 के क्रिस्टल किस कलर के हैं? येलो क्रिस्टल। ठीक, अब आयडोफॉर्म जो रिएक्शन है इसकी एक स्पेशल बात है कि ये कौन कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो आयडोफॉर्म रिएक्शन देंगे। क्या है रिएक्शन इसके बाद पढ़ते हैं, सबसे पहले ये पढ़ लें कि कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो आयडोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं और कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो आयडोफॉर्म रिएक्शन नहीं दे। तो कोई भी वो एल्कोहल जिसमें आपको ग्रुप दिखाई दे CH3 CHOH, कोई एल्कोहल है तो उसमें कौन सा ग्रुप होना चाहिए? CH3 CH OH ग्रुप होना चाहिए, वो आयडोफॉर्म देगा। और अगर कोई कीटोन है तो कीटोन की एक स्पेशल कैटेगरी, उसको बोलते हैं मिथाइल कीटोन, और उस कीटोन में ये ग्रुप होना चाहिए CH3 CO। कोई अगर कीटोन है तो उसमें ग्रुप कौन सा हो? CH3 CO हो। और अगर कोई अल्कोहल है तो उसमें ग्रुप कौन सा होना चाहिए? CH3 CH
OH होना चाहिए तो वो आयडो फॉर्म रिएक्शन देगा, ठीक है। नोट हो गई है स्लाइड। नोट हो जाए तो बोल दीजिएगा। हो गई। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है, विच वन गिव्स आइडो फॉर्म टेस्ट, ऑप्शंस दे रखे हैं आपको इस तरीके से, C2H5OH, CH3OH, CH3, CH2, CO, CS3, CH3, CH2, CO, CH2, CH3, 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 इतने सारे कंपाउंड दे रखे हैं, इसमें से आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा कंपाउंड होगा जो आयडो फॉर्म देगा और कौन से ऐसे कंपाउंड होंगे जो आयडो फॉर्म रिएक्शन नहीं देंगे। तो कैसे पता लगेगा हमको? आयडो फॉर्म रिएक्शन के लिए हमको स्ट्रक्चर में क्या देखना है? दो स्ट्रक्चर होने चाहिए, या तो कंपाउंड में CH3CHOH हो, अगर एल्कोहल है तो उसमें कौन सा ग्रुप होना चाहिए? CH3CHOH। और अगर कीटोन है तो उसमें कौन सा ग्रुप होना चाहिए? CH3CO ग्रुप होना चाहिए। तो एक एक कंपाउंड को चेक करते हैं हम लोग। चलिए आप कोशिश कीजिए पहले, फिर मैं बताऊंगी कौन कौन देगा कौन कौन नहीं देगा। हाँ, 1 3 दे रहा है, और कौन दे रहा है? 7 दे रहा है, और सब लोग देखें। वन और थ्री, 7 के बारे में क्या कहते हो आप? ग्रुप कौन कौन सा होना चाहिए? दो ग्रुप सर्च करने हैं हमको। एक है आपका CH3CHOH और एक है आपका CH3CO ग्रुप, अगर दिख रहा है स्ट्रक्चर में तो दे सकता है रिएक्शन, ठीक है। तो देखो ये चौथे तीसरे को अगर देखो तो तीसरे में इधर CH3CO दिखाई दे रहा है, इस साइड पे देख पा रहे हैं? ये सबको क्लियर है CH3CO ग्रुप दिख रहा है। इसको बोलेंगे ऐसे कीटोन जिसमें कि CH3CO ग्रुप होता है एक तरफ, ऐसे कीटोन को बोलते हैं मिथाइल कीटोन। क्या नाम देते हैं इनको? मिथाइल कीटोन। तो ये तो दे देगा रिएक्शन। CH3OH को देखो, CH3OH में ना तो CH3CO ग्रुप है और ना ही CH3CHOH है, तो ये नहीं देगा। C2H5OH को अगर देखो तो C2H5OH को तोड़ के आप ऐसे लिख सकते हो, क्या कहते हो? CH3CH2OH ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे अगर देख लो तो आपको CH3CHOH ग्रुप दिखाई दे रहा है सीधे सीधे, तो ये भी दे देगा। फोर्थ को देख लो, फोर्थ में कीटोनिक ग्रुप है तो कीटोनिक में देखना आपको कौन सा ग्रुप आना चाहिए? CH3CO।
सी एच थ्री सी एच टू सी ओ है, सी एच थ्री सी ओ नहीं है, तो ये नहीं देगा। फिफ्थ को देख लो, फिफ्थ में एल्कोहल है तो एल्कोहल में सी एच ओ एच होना चाहिए, सी ओ एच दिख रहा है हमको, सी ओ एच दिख रहा है तो ये भी नहीं देगा। इस कंपाउंड को देखिए सिक्स वाले को, सिक्स वाले में सी एच टू ओ एच है, सी एच थ्री सी एच ओ एच नहीं है तो ये भी नहीं देगा। सेवन को देख लो, सी एच थ्री सी एच ओ एच ये ग्रुप दिखाई दे रहा है, लिख लीजिए कौन हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा कौन नहीं देगा, ये पूछा जाता है आपसे। ऑनलाइन में सबको क्लियर है बच्चों? हो गया, नोट कर लिया। चलिए रिएक्शन कर लेते हैं, कैसे हुआ रिएक्शन। हेलो फॉर्म रिएक्शन है क्या? अगर आप क्या करो, आपने कंपाउंड ले लिया सी एच थ्री सी एच ओ एच, ये ग्रुप वाला कंपाउंड ले लो, है ना, या कोई ऐसा कंपाउंड ले लो जिसमें ये ग्रुप, ठीक, इसकी रिएक्शन करा दो आप हेलोजन से। हेलोजन में क्या क्या ले सकते हैं? क्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो, आयोडीन ले सकते हो। क्लोरीन लोगे तो कंपाउंड बनेगा क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन लोगे तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन लोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? आयोडोफॉर्म। एनएओएच की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन होगी तो कंपाउंड बनेगा आपका सी एच। अगर यहाँ पे क्लोरीन लेते हो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? सी एच सी एल थ्री। अगर ब्रोमीन लेते हो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? सी एच बी आर थ्री। अगर आयोडीन लेते हो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? सी एच आई थ्री। क्लोरीन लोगे तो रिएक्शन को बोलेंगे क्लोरोफॉर्म रिएक्शन, प्रोडक्ट भी बन रहा है यही क्लोरोफॉर्म, और रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमोफॉर्म। वैसे इन जनरली हम लोग आयोडोफॉर्म या हेलोफॉर्म दो ही नाम देते हैं। अगर प्रोडक्ट सी एच आई थ्री है तो क्या बनेगा? रिएक्शन होता कैसे है अगर देखें हम लोग, नेट रिएक्शन बताएं तो ज्यादा अच्छा। तोड़ के लिखा है मैंने, नेट बताते हैं।
नेट क्यों नहीं लिखी है? रिएक्शन हो कैसे रहा है? जैसे मान लो हमने लिया इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल लिया, तो सबसे पहले क्या होगा? हमने NaOH और Cl2 लिया है रिएक्शन में, बेस लिया है और Cl2 लिया, तो सबसे पहले NaOH और Cl2 NaO Cl बना लेगा, NaCl बनाएगा और वाटर बनाएगा। सबसे पहले ये रिएक्शन होगा, ठीक। अब ये जो NaOCl है इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइट। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइपोक्लोराइट। इस रिएक्शन में NaOH लिया जाता है डाइल्यूट एंड कोल्ड, ये ले लिया, ठीक। अब NaOCl बन गया, ये NaOCl इसके साथ रिएक्ट करता है CH3CH2OH के साथ और ये बना लेता है CH3CH एसिटल डिहाइड। क्या बना लेगा ये? एसिटल डिहाइड। कल रिएक्शन लिखा था हमने क्लोरोफॉर्म बनाने का, तो उसमें भी अल्कोहल से हमने क्या बनाया था? एसिटल डिहाइड। फिर एसिटल डिहाइड जो होगा वो आपका क्लोरीन से रिएक्ट करेगा और बनाएगा CCl3CH क्लोरल। और ये क्लोरल जो होगा फिर उसके बाद बेस से रिएक्ट करेगा और बेस से रिएक्ट करके CHCl3 क्लोरोफॉर्म। बेस से रिएक्ट करके क्या बना लेगा? क्लोरोफॉर्म। इस कंपाउंड का नाम क्लोरल। हमें कहां तक पहुंचना है? क्लोरोफॉर्म से। रिएक्शन कहां से स्टार्ट की? इथाइल अल्कोहल से। इसका फाइनल रिएक्शन दे नहीं रहा है इसमें। ये तो स्टेप आपके समझने के लिए है, आपको एक रिएक्शन याद होगा तो ज्यादा अच्छा काम बनेगा। अब मान लो इस रिएक्शन में आप कीटोन लेते हो, इस रिएक्शन में आप क्या ले लेते हो? कीटोन। तो कीटोन से कैसे रिएक्शन होगा? ये स्लाइड नोट हो गई। अगर आप रिएक्शन में क्या ले लेते हो? कीटोन। कीटोन कैसा होना चाहिए? जिसमें CH3CO ग्रुप हो, मतलब मिथाइल कीटोन होना चाहिए। आपने मान लो ले लिया मिथाइल कीटोन, CH3CO और इधर R, मिथाइल कीटोन ले। अब इसकी रिएक्शन होगी हेलोजन से, NaOH से। हेलोजन ले लीजिए आप 3X2, NaOH ले लीजिए 4, बैलेंस रिएक्शन लिखाना चाहती हूँ जिससे आपको याद हो जाए। हेलोजन ले लीजिए 3X2, NaOH ले लीजिए 4 और यहाँ पे आपका ये जो CH3 ये वाला ग्रुप है ये बना लेगा CHX3। ये जो NaOH है ये बनाएगा एक आपका सॉल्ट, एक तो 3NaX बन जाएगा, 4 NaOH लिए आपने, एक आपका CHX3 बन गया, तीन हेलोजन यहाँ पे आ गए,
तीन हेलोजन यहाँ पे आ गए, छह हेलोजन है टोटल, ठीक है, 3x2 मॉलिक्यूल में छह हेलोजन है, तो तीन यहाँ पे आ गए, तीन इधर पे आ गए, तो हेलोजन का काम खत्म। सोडियम यहाँ पे तीन आ गए, यहाँ पे चार सोडियम हमने लिए रिएक्टेंट में, तो आपका यहाँ पे RCOONA बन जाएगा सॉल्ट, और पानी भी बनेगा। बैलेंस रिएक्शन लिखना है, बैलेंस लिखवाओगे, बैलेंस रिएक्शन याद रखना जरूरी है। 3NaX प्लस 3H2O और ये बन गया आपका सॉल्ट। ये क्या है आपका? मिथाइल कीटोन। ये आपने ले लिया कोई भी हेलोजन, हेलोजन में ले सकते हो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये आपका बेस है, इससे बना सॉल्ट, ये भी एक सॉल्ट बना, ये बन गया हेलो फॉर्म। ये तो पता ही आपको। इस रिएक्शन से वैसे भी क्वेश्चन आते हैं, और रिसेंट में इसमें मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आया था, कोई जेई मेंस में कोई मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन दिया था कि आपने कोई मिथाइल कीटोन 1.2 मोल लिया हुआ है ना, तो आइडोमिथेन कितना बनेगा, और ये जो आपका ये सॉल्ट है ये कितना बनेगा, आइडोफॉर्म कितना बनेगा और ये सॉल्ट कितने मोल बनेगा। तो अगर मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आता है तो आपको बैलेंस रिएक्शन मालूम है तो आप सीधे सीधे बता दोगे। अगर इसका 1 मोल है, देख पा रहे हैं सब लोग, इसका 1 मोल है तो हेलोजन कितने मोल खर्च करनी पड़ रही है, 3 मोल। NaOH कितने मोल लगाना पड़ रहा है, 4 मोल। CHX3 कितना बन रहा है, आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म जो भी हेलोजन लेंगे 1 मोल। ये वाला सॉल्ट NaX कितना बन रहा है, 3 मोल। ऑर्गेनिक एसिड का सॉल्ट, ये सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड का सॉल्ट कितना बन रहा है, 1 मोल। पानी कितना बन रहा है, कर लेंगे। और बैलेंस रिएक्शन पता है तो मोल कॉन्सेप्ट का कोई क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के बताया जाए तो आराम से कर लेंगे। नोट कर लीजिए, प्रोडक्ट को बोला हमने हेलो फॉर्म, रिएक्शन में लिया क्या, हेलोजन और NaOH। कोई दिक्कत है, सर दर्द हो रहा है? वो हिप्नोटाइज का मतलब दूसरा होता है, वो आपको कोई थ्रेड व्रेड लटका के उस पर फोकस करने के लिए कहते हैं, वो अलग चीज है। हिप्नोटाइज वो मेडिसिन पिला करके आपको हिप्नोटाइज करें। हाँ, क्लोरीन और ब्रोमीन को मिलाओगे तो, क्लोरीन और ब्रोमीन को मिलाओगे तो एक स्पेशल तरीके के कंपाउंड होते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड। दो हेलोजन को मिलाएंगे तो कंपाउंड बनते हैं, उनको बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। तीन की रिएक्शन तो मैंने सुनी नहीं, अब वो तो करके देखना पड़ेगा। ये नोट हो गया बच्चे? यस मैम। ये हमने बना लिया, हेलोजन डाला, NaOH डाला और हेलो फॉर्म बना लिया मिथाइल कीटोन से, है ना। अगर आप चाहो तो इसमें NaOH की जगह सोडियम कार्बोनेट भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? सोडियम कार्बोनेट भी यूज कर सकते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट अगर यूज करोगे तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, इसको लिख लीजिए। अगर आपने क्या यूज करना है, सोडियम कार्बोनेट, तब रिएक्शन क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे 4NaOH यूज किया था, हम लोग यूज करेंगे Na2CO3। तो यहाँ पे लिख लीजिए, इन दिस रिएक्शन वी कैन यूज Na2CO3 इन प्लेस ऑफ
NaOH, NaOH की जगह आप Na2CO3 भी यूज कर सकते हो। रिएक्शन क्या है? NaOH बेसिक होता है, Na2CO3 भी जो होता है वो बेसिक होता है। यहाँ पे आप 4-iodine यूज करेंगे, 3-Na2CO3 यूज करोगे, प्रोडक्ट बनेगा आपका CHI3, येलो कलर का कंपाउंड, आयडोफॉर्म। हाँ, सॉल्यूशन बना लें क्रिस्टल को, जैसे फिटकरी को भी यूज करते हैं ना एंटीसेप्टिक की तरह, फिटकरी की क्रिस्टल रगड़ देते हैं, कटवट लग जाता है, तो देखा है ना आपने, कहीं भी कट लग जाए तो रगड़ सकते हैं। ऐसी कोई ये नेसेसरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि कट लग गया, ब्लड निकल रहा है तो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। SCONA बनेगा, NaI बनेगा, CO2 बनेगा और पानी भी बनेगा, क्योंकि कार्बोनेट बनना यूज कर रहे हैं तो CO2 भी निकल सकती है। बैलेंस रिएक्शन लिख लेते हैं, 5 NaI और CO2 का हिसाब किताब, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, दो कार्बन यूज कर दिए हमने, है कितने कार्बन, 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, कितने हो गए, 5, तो 3 CO2 कर दूं। रिएक्शन देखो बैलेंस हुआ, हाइड्रोजन बैलेंस है, 3, 2, 5, 6। हाँ, ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है, 2H2O कर दें। अब देखो अब शायद बैलेंस होगा, कार्बन हो गए 3 और इधर 2, 5, यहाँ पे कार्बन हो गए 2 और इधर 3, 5, आयोडीन 8 हो गए और यहाँ पे 5 ये हो गए और 3 ये 8 हो गए, सोडियम हो गया 5+1, 6 हो गया, इधर 1 इधर 5 इधर 6, ठीक है हो गया। ऑक्सीजन देख लो, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 6 इधर, 8, 8+2, 10 हो गए और यहाँ कितने हो गए, 1 और उधर 9, 10, ठीक है हो गए। तो ये बैलेंस रिएक्शन याद रखिएगा, पिछली बार ये वाला पूछा है मोल कॉन्सेप्ट लगा करके, तो इस बार ये पूछ सकते हैं कि अगर आप आयडोफॉर्म रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह क्या यूज करो, सोडियम कार्बोनेट यूज कर लो तो क्या होगा रिएक्शन। हंस क्यों दे जबरदस्ती, हंस दो, मुझे हंसी आने भी तो चाहिए जो मैं हंस दू जबरदस्ती। ठीक है, ये एल्कोहल से बनाया है हमने, क्या आयडोफॉर्म बना लिया। नोट कर लीजिए, ऐसे रिएक्शंस पूछने के चांसेस होते हैं, क्योंकि देखो इसमें प्रोडक्ट कितने सारे बनना है, रिएक्टेंट तो फिर भी याद रह जाता है कि अल्कोहल लोगे, आयोडीन लोगे, Na2CO3 ले लोगे, NaOH की जगह क्या ले लिया, Na2CO3, आयोडोफॉर्म बनाना है तो आयोडीन लेंगे, बेसिक मीडियम लेना है तो या तो NaOH या तो Na2CO3, लेकिन प्रोडक्ट कितने सारे बनाए इन्होंने, आयोडोफॉर्म रिएक्शन का नाम है तो आयोडोफॉर्म तो बनाएंगे ही, तो एक प्रोडक्ट CHI3 हो गया, उसके अलावा 4 प्रोडक्ट और बना रखे हैं,
कार्बोनेट जब भी किसी रिएक्शन में यूज होगा तो ज्यादातर रिएक्शन में कार्बोनेट या तो सॉल्ट के फॉर्म में जाएगा या तो CO2 के फॉर्म में जाएगा। तो इसमें दोनों फॉर्मेट में निकल रहा है, CO2 भी बन रही है और सॉल्ट के फॉर्मेट में भी जा रहा है। फिर उसके बाद सोडियम और आयोडीन आपस में रिएक्ट करेंगे तो NaI एक सॉल्ट और बन रहा है, दो सॉल्ट, एक CO2 और एक क्या बन रहा है, वाटर। चार, हाँ पांच प्रोडक्ट बन रहे हैं। इस रिएक्शन की स्पेशलिटी क्या है? फाइव प्रोडक्ट्स देख पा रहे हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्राइम प्रोडक्ट क्या है? आयोडो फॉर्म। अगर यही रिएक्शन हमें कीटोन से लिखना हो तो, कीटोन से अगर लिखना हो तो क्या बनाएंगे? यहां पे अगर हमें लिखना है CH3CO CH3, इससे यही रिएक्शन हमको लिखना है। मान लीजिए I2 का रिएक्शन हो रहा है Na2CO3 की प्रेजेंस। क्या सोचते हो आप, क्या प्रोडक्ट बनेगा? एक CH3 तो बनेगा ही बनेगा, NaI बनेगा, H2O बनेगी, CO2 बनेगी, और क्या बनेगा? एक सॉल्ट S ये बन सकता। पिछले रिएक्शन में सॉल्ट क्या बना था? HCOONA। अब की बार क्या सॉल्ट बना दे? दो कार्बन का। यहां पे अगर देखो तो एल्कोहल था दो कार्बन का, देख पा रहे हैं एल्कोहल दो कार्बन का है, एक कार्बन तो यहां चला गया, एक कार्बन कहाँ पे जाएगा आपका? एल्कोहल का सॉल्ट में। यहाँ पे देखिए कीटोन कितने कार्बन का हो गया? एक दो तीन, ठीक है। तो एक कार्बन तो यहाँ चला गया CH3 में और दो कार्बन कहाँ जाएंगे? सॉल्ट में चले जाएंगे, और इधर वाले जो कार्बन है वो CO2 और ये सब के फॉर्मेट में जाएंगे। जरा रिएक्शन बैलेंस कर दीजिए, प्रोडक्ट मैंने लिख दिया, रिएक्शन बैलेंस करिए फटाफट, कोशिश कीजिए। इसके आगे दो लगा दें, Na2CO3 के आगे टू लगा दें। पूरा बैलेंस करिए अपनी कॉपी पे, फिर मुझे बताइए फाइनल। साक्षी करो, अगर इसको 3 कर दो, इसको 2 कर दो, तो तीन आयोडीन यहां चले गए, तो तीन यहां पे ले सकते हो। सोडियम के बारे में सोचते हैं, सोडियम कितने हैं? चार हैं, तीन यहां पे हो गए तो एक यहां पे हो गया। अब देखो क्या बचता है, कार्बन हो गए बैलेंस, तीन इधर है, इधर कार्बन, 2CO2 कर दू, आयोडीन ज्यादा हो जाएंगे ना, आयोडीन हो गए ना, तीन यहां पे, तीन यहां पे कर दिए हम। सोडियम कितने चाहिए थे? चार चाहिए थे, हो गए, देख लो शायद बैलेंस ही हो गए क्या। ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन 6 1 7 चाहिए आपको, चार हो गए, 5 6 7 हो गए, हो गई बैलेंस। ये क्या है? एसीटोन से रिएक्शन हो रहा है और क्या बन रहा है? दो ठीक, और कुछ खास बात इसमें है नहीं। एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज कर, फार्मा में यूज करेंगे, तो कुछ खास बात इसमें।
इसमें रिएक्शन इंपॉर्टेंट था आयडो फॉर्म, वो आपको मैंने बता दिया कौन कौन से कंपाउंड देंगे, कौन कौन सा रिएजेंट आपको आयडो फॉर्म के लिए यूज करना। ऑनलाइन बच्चों को क्लियरिटी है? आयडो फॉर्म क्लियर हो गया ऑनलाइन? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, पाइरीन भी बोलते हैं, कॉमन नेम पाइरीन भी है। CCl4 फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज होता है। हाँ जरूरी नहीं है CO2 यूज हो, CCl4 भी यूज हो सकता है फायर एक्सटिंग्विशर की तरह। बनाना है अगर मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखें, CCl4 बनाना है, कार्बन ले लिया, क्लोरीन की रिएक्शन करा रहे हैं 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे, हाई टेम्परेचर पे, ये बना देता है CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। एक कंपाउंड है कार्बन डाइसल्फाइड CH2, ठीक है CS2 कार्बन डाई सल्फाइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना CO2, वैसे CS2 क्या है कार्बन डाइसल्फाइड। इससे भी हम लोग CCl4 बना सकते हैं, इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं S2Cl2 से, CS2 की रिएक्शन या क्लोरीन से करा लो, तो बना देंगे CCl4 और सल्फर का एक कंपाउंड बनता है S2Cl2। एक बार एडवांस में ये रिएक्शन पूछा गया, ये वाला सेकंड वाला कार्बन डाइसल्फाइड की रिएक्शन क्लोरीन से करा रहे हैं, एक कंपाउंड बन रहा है जो फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज होता है, और उसमें एक उसमें मॉलिक्यूल में 4 क्लोरीन है, इस तरीके से करके कोई क्वेश्चन दे रखा है, उसमें सल्फर का जो कंपाउंड बना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछी है। ये जो सल्फर का कंपाउंड है H2Cl2, इसको बोलते हैं सल्फर मोनोक्लोराइड, क्या नाम दिया इसको सल्फर मोनोक्लोराइड H2Cl2। तो बना तो रहे हैं, ये मेन प्रोडक्ट ये है, लेकिन साइड प्रोडक्ट क्या बन रहा है H2Cl2, इसकी एक स्पेशलिटी है। नहीं बैलेंस है, देखो नहीं है, हो गया लिख लीजिए। साक्षी ऐसे नहीं चलेगा बेटा, सब बंद कर देंगे तो काम कैसे चलेगा, हवा आने दो, हवा से क्या मतलब है। खाना पीना खाते नहीं तुम लोग, अगर CH2 एक्सिस में है तो H2Cl2 से फिर से रिएक्ट करती है और CCl4 बनाती है और सल्फर को अलग कर देती है। CH2 हमने किसमें ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस, अगर एक्सेस में है तो फिर से ये वाला जो प्रोडक्ट बना है इससे भी रिएक्ट करके फिर से क्या बन जाएगा CCl4।
इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हो तो बताया जाए, बेकार के रिएक्शन क्यों बताना। चलो नोट हो गया, कल हम लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ा था, रीमर टीमन रिएक्शन। क्या पढ़ा था? रीमर टीमन रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के केस में पढ़ा था, है ना। उसमें हमने फिनॉल की रिएक्शन करवाई थी, उसमें हमने फिनॉल की रिएक्शन करवाई थी क्लोरोफॉर्म से, NaOH की प्रेजेंस में, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे जो फिनॉल था, ये फिनॉल कन्वर्ट हो गया था सैलिसिलडिहाइड में। किसमें कन्वर्ट हो गया था? सैलिसिलडिहाइड में। OH के बगल में CHO आ गया था ऑर्थो पोजीशन, है ना। ये सेम रीमर टीमन रिएक्शन है, यहाँ पे भी CHCl3 की जगह CCl4 यूज करेंगे। फिनॉल से ही रिएक्शन हो रहा है KOH की प्रेजेंस में, CHCl3 की जगह क्या यूज कर दिया हमने? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो प्रोडक्ट में थोड़ा सा अंतर आता है, यहाँ पे एल्डिहाइड बन रहा था सैलिसिलडिहाइड, यहाँ पे क्या बनेगा? सैलिसिलिक एसिड। क्या बन जाएगा यहाँ पे? दोनों को रीमर टीमन रिएक्शन बोलते हैं। सैलिसिलडिहाइड बना लो या सैलिसिलिक एसिड बना लो। सैलिसिलिक एसिड तब बनता है जब रिएक्शन में CHCl3 की जगह CCl4 यूज करते हैं। रिएक्शन इज कॉल्ड रीमर टीमन रिएक्शन। KOH KOH पहले NaOH लिख दिया था, NaOH से भी हो सकता है रिएक्शन, लेकिन मैं आपको बता रही थी कि कल बताया था तो कल KOH से बताया। यहाँ पे जो सैलिसिलिक एसिड बना है ये ऑर्थो पोजीशन पे भी OH आ सकता है और आपका पैरा पे भी आ सकता है। ऑर्थो पे भी आ सकता है और पैरा पे भी आ सकता है। और प्रोडक्ट आपके KCl तो बनेंगे ही बनेंगे, वाटर बनेंगे। साइड प्रोडक्ट KCl और वाटर, मेन प्रोडक्ट कौन सा है? सैलिसिलिक एसिड। क्लोरोफॉर्म के केस में सैलिसिलडिहाइड बना था। इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट CCl4 में नहीं। नेक्स्ट कंपाउंड पे मूव कीजिए, DDT हैलोजन का ही कंपाउंड है। DDT फॉर्मूला जानना है हमको, क्या है फॉर्मूला? पहले फुल फॉर्म, फिर उसके बाद क्या बताएंगे फॉर्मूला। फुल फॉर्म है पैरा, पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन।
फॉर्मूला क्या है? पैरा पैराडेस डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन। बना लो। एक पोजीशन पैरा पोजीशन को पैरा बोल रहे हैं, तो दूसरी पैरा पोजीशन को क्या बोल देंगे? पैरा डैश। कंपाउंड कैसे बनता है देखिए, कंपाउंड का फॉर्मूला। इधर सीएल, दो बेंजीन रिंग बनाएंगे, डाइफिनाइल लिखा हुआ है ना, तो दो बेंजीन रिंग, ठीक। पैरा पैराडेस डाइक्लोरो, ये एक क्लोरीन है, ये एक क्लोरीन। फिर उसके बाद डाइफिनाइल, दो फिनाइल रिंग हो गई। फिर उसके बाद ट्राइक्लोरो इथेन, मतलब दो कार्बन बनाने हैं अब आपको, एक कार्बन पे तीन क्लोरीन लगा दो, ट्राइक्लोरो और इथेन का मतलब, इस कार्बन को अगर ध्यान से देखो, एक दो तीन बॉन्ड हो गए, तो एक एच भी लगा दें। ये कौन सा कंपाउंड है? डी डी टी। पैरा पैराडाइस इसलिए बोला क्योंकि बेंजीन रिंग की ये पैरा पोजीशन है। अगर यहां से आप रिस्पेक्ट में देखते हो तो ये पैरा पोजीशन है, पैरा पैराडाइस डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। इथेन इसलिए बोला, दो कार्बन। कंपाउंड का क्या नाम है? डी डी टी। इसके नीचे लिख लीजिए पावरफुल इंसेक्टीसाइड। डी डी टी क्या है? पावरफुल इंसेक्टीसाइड। डी डी टी इज अ पावरफुल इंसेक्टीसाइड। बनाते कैसे हैं इसको? अगर बनाना है तो इधर से इधर रिएक्शन लिखते हैं, मैं उल्टा लिख दे रही हूं। अगर आपको बनाना है इसको, तो क्लोरल लेंगे, क्लोरल का फॉर्मूला होता है CCl3CHO। क्लोरल ले लिया आपने और इसकी रिएक्शन करा दी क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल ले लिए, क्लोरोबेंजीन को हम इस तरीके से लिख रहे हैं। क्लोरोबेंजीन के हमने क्या ले लिए? दो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल क्लोरल, क्लोरोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कंबाइन करते हैं। तो ये वाला ऑक्सीजन और ये दो हाइड्रोजन मिलके वाटर बना लेंगे, ये ऑक्सीजन और ये दो हाइड्रोजन मिलके क्या बना लेंगे? वाटर। ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? पानी। और बाकी जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा? सीधे सीधे जुड़ जाएगा CCl3CH के ऊपर। ये बेंजीन रिंग जुड़ गई और इधर से ये वाली बेंजीन रिंग जुड़ गई, इधर ClCl तो पहले से अटैच है। ये कंपाउंड है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्लोरल से कराई कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, क्लोरोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल लिए, दोनों को सीधे सीधे इस पे जोड़ दिया, तो हमारे पास जो कंपाउंड बना वो पावरफुल इंसेक्टिसाइड है। क्या नाम है उसका? डी डी टी। फुल फॉर्म क्या है? पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डी डी टी इसलिए बोला, ये डी और ये है आपका टी, डी डी टी, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से रिएक्शन, डी डी टी। ई को नहीं इंपॉर्टेंस दी, आ रहा है तो तुम कुछ कंपाउंड बनाना तो सबको ले लेना। नोट हो गया? ओए, सामान को यूज किया जाता है ना, कैसे काम कर रहा है?
खिला के देखेंगे, फसलों में डालते हैं इंसेक्ट्स को मारने के लिए, फार्मिंग में यूज करते हैं, लेकिन ये जो डीडीटी है वो क्या होता है? पावरफुल इंसेक्टिसाइड तो है लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल है। कैसा है? नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो पॉल्यूशन बहुत क्रिएट करता है, तो इसलिए बाद में इसको क्या कर, अब क्या, अब कम यूज करते हैं क्योंकि इंसेक्ट्स वगैरह को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से किल कर देता है। लेकिन आजकल थोड़ा सा कम कर रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए, तो उसमें डीडीटी और ये सब ना यूज करिए क्योंकि इनके हार्मफुल इफेक्ट आ रहे हैं। जो लीफी वेजिटेबल जो हम लोग खाते हैं, लीफी वेजिटेबल कोई भी, तो बोला जाता है इसको बहुत अच्छे तरीके से वॉश करके फिर आप खाइए। क्यों? क्योंकि इंसेक्टिसाइड वगैरह उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी ईल्ड के लिए डाले जाते हैं, और अगर आप उसको पानी में थोड़े टाइम के लिए डिप करके छोड़ देते हो लीफी वेजिटेबल को, तो ये जो होंगे ये वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे और डिजोल्व होकर निकलने के चांसेस रहते हैं, तो निकल जाएंगे, फिर आप उनको पकाइए खाइए। और अगर आपको उस तरीके से खाना है तो आप रॉ मत खाइए, रॉ खाएंगे तो क्या होगा, चांसेस हैं कि आप डीडीटी खा रहे हो या कोई और इंसेक्टिसाइड खा रहे हो जो आपकी बॉडी में जाके कार्सिनोजेन की तरह भी काम कर सकता है। कार्सिनोजेन वो मटेरियल होते हैं जो आपकी बॉडी में कैंसर कॉज करते हैं। ठीक है, हाँ बस हो गया, हो गया, आज के लिए इतना ही काफी है। डीडीटी का के बारे में इतनी बात काफी है, इससे ज्यादा बात हम नहीं कर सकते। मैं इसको भी मना कर देती हूँ, इसकी भी नहीं सुनती। एराइल हैलाइड हेडिंग डालिए, एराइल हैलाइड। एरोमेटिक पे आ गए हम लोग, एलिफेटिक का काम हमने तमाम कर दिया। नाम बोलो जरा जल्दी से कंपाउंड का। ऑनलाइन से आंसर नहीं आ रहा है। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन, इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हम लोग। एराइल हैलाइड इन्हीं को बोलेंगे हम लोग। इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे इनका। ज्यादा नहीं है, दो चार ही रिएक्शन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर रहे हैं एराइल हैलाइड। हेलो एरीन बनाना चाहते हैं, एराइल हैलाइड भी बोलते हैं इनको, हेलो एरीन भी बोलते हैं। हेलो एरीन, बनाना है, बनाने के दो तीन ही पॉपुलर मेथड हैं, वही याद रखने। पहला मेथड है हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन कराने वाले, हेलोजन ऐड करने वाले हैं। किसकी रिएक्शन कराएंगे? बेंजीन की रिएक्शन करा देंगे हेलोजन से, लुइस एसिड की प्रेजेंस में। मतलब बेंजीन ले लिया, क्लोरोबेंजीन बनाना है तो क्लोरीन ले लिया, लुइस एसिड ले लीजिए FeCl3 या एनहाइड्रस AlCl3 ले सकते हो। इससे रिएक्शन करके यहाँ का एक एच हट जाएगा और यहाँ पे एक सीएल जाकर के अटैच हो जाएगा और यहाँ पे एससीएल।
ये रिएक्शन है किसका, हैलोजिनेशन का। ब्रोमो बेंजीन भी ऐसे ही बना सकते हो, एफ ई बी आर थ्री ले लो, ये जो है एनहाइड्रस ए एल सी एल थ्री या एफ ई सी एल थ्री, ये लुइस एसिड की तरह काम करते हैं, लुइस एसिड है कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। कैटलिस्ट रिएक्शन में ऐसी स्पीसीज होती है जो रिएक्शन में यूज्ड अप नहीं होती है, बीच के प्रोसेस में आएगी, रिएक्शन को फास्ट कराएगी, रिएक्शन को करवाएगी और उसके बाद बाद में वैसी की वैसी ही हमको मिल जाए, है ना। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हैलोजिनेशन। हाँ दो बात पूछिए। हाँ तो कहना क्या चाहते हैं आप, रिएक्शन होगा कोल्ड और डार्क में, स्पेसिफिक कंडीशन क्या है, सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं कराना है, कहाँ कराना है, कोल्ड एंड डार्क। क्या सनलाइट नहीं चाहिए बेसिकली, मतलब क्या है सनलाइट, लाइट नहीं चाहिए। इस रिएक्शन हैलोजिनेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लीजिए, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिए, अदरवाइज क्लास छोड़ के चले जाइए। आप लोग ऑनलाइन में आते हो और ऑफलाइन से भी ज्यादा अनअटेंटिव रहते हो, ऑनलाइन में गार्जियन आपको इसलिए भेजता है कि आप थोड़े से अटेंटिव रहें, लेकिन ऑनलाइन में भी आप सामने बैठ के पता नहीं क्या कर रहे हो 10 मिनट से। मैं बोल नहीं रही हूँ कि टॉपिक ब्रेक होगा, कुछ भी चल रहा है, ऐसे ना करें, इसका नुकसान आपको होगा, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हैलोजिनेशन रिएक्शन लिखा, रिएक्शन बता दिया, मैकेनिज्म नहीं भी बताऊंगी मेरे को चलेगा, मेरे हिसाब से हैलोजिनेशन खत्म, आपको नुकसान होगा, कहीं मैकेनिज्म का क्वेश्चन आ जाएगा आप नहीं कर पाओगे। शांति से बता रही हूँ, सुनी नहीं रहे, ड्रामा चल रहा है अलग ही। बेंजीन लिया हमने, बेंजीन जो होती है, अगर बेंजीन के स्ट्रक्चर को आप देखो तो यहाँ पे पाई बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड ऐसी स्पीसीज होते हैं जिसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर का मतलब है कि ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये लूजली बॉन्ड होते हैं, मतलब आसानी से अगर कोई ऐसा एलिमेंट आए, ऐसी कोई चीज आए जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो वो इससे अट्रैक्ट होकर के इस पाई बॉन्ड को यूज कर सकता है आसानी से, ठीक। तो इस रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है कि हमने रिएक्शन में, क्योंकि बेंजीन लिया, रिएक्टेंट में हमने क्या क्या लिया, बेंजीन लिया, क्लोरीन लिया, क्लोरोबेंजीन बनाना चाहते हैं, AlCl3 लिया, एनहाइड्रस, ठीक है। तो रिएक्टेंट हमने ये लिए, रिएक्टेंट किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं देखिए, AlCl3 में आपको ये लुइस एसिड है, लुइस एसिड का मतलब लुइस एसिड के पास लोन पेयर होता है या लोन पेयर की कमी होती है। लुइस एसिड कैसी स्पीसीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होंगे या इलेक्ट्रॉन की कमी होगी लुइस एसिड के पास, कमी होगी, ठीक है। लुइस एसिड के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है। AlCl3 को चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले Cl2 जो मॉलिक्यूल था वो इस तरीके से था, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, इस Cl के पास दो इलेक्ट्रॉन थे,
ये सीएल वाला ये बॉन्ड जो होगा ये ब्रेक होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के सीएल माइनस बन गया। ठीक, ये जो सीएल माइनस होगा ये टूटेगा तो सीएल प्लस और सीएल माइनस बन गया, दो स्पीसीज बना लिया। ये सीएल माइनस जाएगा और अटैच हो जाएगा एल सी एल थ्री के साथ, किसके साथ अटैच हो जाएगा एल सी एल थ्री के साथ, ये बना लेगा एल सी एल फोर माइनस, क्या स्पीसीज बन गई एल सी एल फोर माइनस। अब ये सी एल माइनस वाला तो चला गया, सी एल प्लस वाला बचा, इसको बोलते हैं क्लोरोनियम आयन, इसको तो क्लोराइड बोलोगे, सी एल माइनस को बोलते हैं क्लोराइड आयन और सी एल प्लस को बोलते हैं क्लोरोनियम आयन। ये सी एल माइनस है क्लोराइड आयन, ए एल सी एल थ्री के साथ कंबाइन करके ए एल सी एल फोर माइनस बना करके अलग पड़ा हुआ है। अब सी एल प्लस आ गया इसके पास, सी एल प्लस किसी भी चीज के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर उसको कोई सेंटर ऐसा दिखता है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिच है इलेक्ट्रॉन, तो वो वहां पे जाकर के अटैक करेगा। रिएक्शन में हमने बेंजीन लिया है तो अब ये सी एल प्लस जाएगा, ये क्या करेगा अटैक करेगा इसके पास ऊपर। ठीक, ये सी एल प्लस के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है इसलिए इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, क्या नाम देते हैं इसको इलेक्ट्रोफाइल। तो ये जो फर्स्ट स्टेप हुआ है रिएक्शन का, ये रिएक्शन का क्या है फर्स्ट स्टेप है, और इस फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हुआ। और आपसे पूछा जाए इस हेलोजिनेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन काम कर रहा है, सीएल प्लस, सीएल प्लस बनाया। पहले स्टेप का काम क्या था सीएल प्लस बनाना, बना कैसे एल सी एल थ्री मॉलिक्यूल लिया था, सी एल टू मॉलिक्यूल लिया था, सी एल टू मॉलिक्यूल सी एल माइनस सी एल प्लस में टूट गया, सी एल माइनस को कैप्चर करने के लिए एल सी एल थ्री था, उसने एल सी एल फोर माइनस बना लिया, वो अलग बैठा हुआ एल सी एल फोर माइनस बना करके ये सी एल प्लस बन गया। अब ये सी एल प्लस कहाँ पे जाकर के अटैक कर जाएगा, इस बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। तो पहले बना इलेक्ट्रोफाइल, अब दूसरे स्टेप में होगा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इस बेंजीन रिंग पे कौन अटैक करेगा जाकर के इलेक्ट्रोफाइल। तो ये स्टेप नोट हो गया हो तो आगे वाला स्टेप नोट करिए, ये वाला तो आगे वाला बताओ। कहीं पे भी हेलोजिनेशन अगर आप बेंजीन के कंपाउंड में कराएंगे तो मैकेनिज्म सेम रहेगी, तो एक याद हो जाएगी तो आपको क्या होगा सारे के सारे दिक्कत नहीं आएगी आपको, एक पता है तो जेई में ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा नहीं आती है, परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन क्योंकि पेपर सेटर के ऊपर डिपेंड करता है तो कभी कभी थोड़ा बहुत हाई परसेंटेज हो सकता है और क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल के आते हैं। और बच्चे को ऑर्गेनिक अच्छे से आती नहीं है तो इसलिए दिक्कत आती है। तो पहला स्टेप नोट हो गया सबका, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं हेलोजिनेशन प्रोसेस में इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो आप क्या बताएंगे, अगर क्लोरीनेशन हो रहा है तो सी एल प्लस, ब्रोमिनेशन हो रहा है तो बी आर प्लस, आयोडिनेशन हो रहा है तो आई प्लस, और अगर बोल रहे हैं हेलोजिनेशन तो एक्स प्लस कैसे काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब सेकेंड स्टेप में होगा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग, सेकेंड स्टेप क्या है, स्टेप टू अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल
इलेक्ट्रोफाइल अब अटैक करेगा बेंजीन रिंग के, ये रही आपकी बेंजीन रिंग, इसके पास आ गया Cl प्लस अटैच होने के लिए, Cl प्लस के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या होगा, ये बेंजीन रिंग के ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट होंगे एक तरफ, ये अगर एक तरफ शिफ्ट होंगे तो सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी, ये यहाँ पे माइनस चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके इधर पे आ गए इस सेंटर पे, तो यहाँ माइनस यहाँ पे पॉजिटिव, अब इस माइनस सेंटर पे कौन आएगा, Cl प्लस, और Cl प्लस आकर के यहाँ पे क्या होगा अटैच हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये बेंजीन रिंग के बॉन्ड ऐसे के ऐसे, यहाँ पे कौन आके अटैच हो गया Cl प्लस, ठीक, Cl के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, दो इलेक्ट्रॉन मिल गए, दो इलेक्ट्रॉन से उसने एक बॉन्ड बना लिया, अटैच हो गया। बेंजीन रिंग की अगर बात करो तो सारे के सारे यहाँ CH, यहाँ CH, यहाँ CH, यहाँ CH, यहाँ CH, सब जगह एक एक एच तो होता ही है, इसका मतलब सारी पोजीशन पे एक एक एच तो है ही, यहाँ पे एक एच भी हो, क्लियर है बात। अब देखो ये जो स्पीसीज बनी है अगर हम इसको देखें तो ये कार्बोकेटायन है, क्या है ये स्पीसीज, कार्बोकेटायन, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब क्या बन गया कार्बोकेटायन, ठीक, इस कार्बोकेटायन में अगर हम देखें तो रेजोनेंस भी होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाएंगे हम, कैसे बनेगा देखिए, ये डबल बॉन्ड इधर मूव कर गया, अगर ये इधर मूव करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म, बॉन्ड यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये डबल बॉन्ड यहीं का यहीं, ये डबल बॉन्ड यहाँ डेवलप हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज खत्म, और अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे तो सीएल अटैच है, देख पा रहे हैं। इसके बाद अब यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया तो डबल बॉन्ड सिग्मा और पॉजिटिव, तो फिर से रेजोनेंस, ये बॉन्ड यहां पे मूव करेगा, अब यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया इसके, देखिए तीन बन गए, अब इधर से इधर नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा डबल बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है हमको, तो तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, अगर तीनों स्ट्रक्चर को देखो तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ मूव किया, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आया, इस पोजीशन पे आया, इस पोजीशन पे आया, कितनी पोजीशन पे आया है, तीन पे, अगर देखो तो पॉजिटिव चार्ज पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर कहाँ आ गया, यहाँ, मतलब इस पोजीशन से इधर तक मूव कर रहा है, इतना देख पा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ मूव किया, अगर इसको ओवरऑल लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, Cl यहाँ पे था, पॉजिटिव चार्ज पहले यहाँ पे था, तो आप ऐसे लिख सकते हो, और मूव किया ये डॉट डॉट बनाएंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ तक मूव किया है ना, लास्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पे ऐसे लिखते हैं पॉजिटिव, और ये जो कंपाउंड बना है रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी भी हाई होगी, तीन तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, बना लीजिए, सेकेंड स्टेप हेलोजिनेशन का ये है। सीएल को मूव नहीं कराएंगे, जहां चिपक गया वहीं पे, सीएल तो वहीं पे, जिस पे भी अटैच हो गया, जिस पाइप बॉन्ड पे भी, ऑनलाइन में क्लियर है स्टेप टू सबको, हेलो हेलोजिनेशन में सिंपल जो स्टेप हुआ वो कहां से कहां तक है, स्टेप तो आप यही बताओगे, ये वाला स्टेप हुआ है ना,
लेकिन ये जो स्पीसीज थी इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, बन सकते हैं नहीं, बनते हैं, रेजोनेंस होता है। नोट हो गया तो थर्ड स्टेप पे चलें। थर्ड और फाइनल स्टेप, रिएक्शन क्या होना था? बेंजीन क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है, AlCl3 कैटलिस्ट है, तो लास्ट में AlCl3 कैटलिस्ट की तरह वापस मिल जाएगा। इस पे क्लोरीन अटैच होगा बेंजीन पे, यहाँ पे HCl बनेगा। तो अभी HCl बनवाना है हमको, तो लास्ट स्टेप पे जा रहे हैं हम लोग। थर्ड स्टेप है आपका, स्टेप थर्ड है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। एक इलेक्ट्रोफाइल आपका HCl+ अटैच हुआ है, अब H+ इसमें से बाहर निकलेगा, कैसे? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, Cl किधर अटैच किया था हमने? Cl उसके बगल में अटैच हुआ था, यहाँ पे Cl अटैच है, ठीक है। इस पे एक हाइड्रोजन भी होगा, तो होता क्या है कि रिएक्शन में इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, तो रिएक्शन कोशिश करती है कि फिर से ये बेंजीन रिंग मेंटेन हो जाए, क्योंकि बेंजीन रिंग बनने में एरोमेटिक कैरेक्टर आता है रिंग में, और एरोमेटिक कैरेक्टर स्टेबल होता है। तो फिर से क्या चाहती है रिंग, कि यहाँ डबल बॉन्ड फिर से आ जाए, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड आता कैसे है? ये जो हाइड्रोजन अटैच है, ये दो इलेक्ट्रॉन लेकर के, मतलब दो, इसका जो बॉन्ड बना है दो इलेक्ट्रॉन से बना है, ये हाइड्रोजन रिमूव होगा, बाहर निकलेगा H+ के फॉर्मेट में। H+ का मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को दे करके निकल गया, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये आ जाते हैं यहाँ पे। अगर दो इलेक्ट्रॉन इधर पे आ गए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म और H+ बाहर निकल जाएगा। तो इसका पॉजिटिव चार्ज अगर खत्म हो गया और बॉन्ड भी यहाँ पे बन गया, तो ये एक अपना प्रोडक्ट तो बन गया क्लोरो बेंजीन, बेंजीन भी बन गया, एरोमेटिक कैरेक्टर भी मेंटेन हो गया, और ये H+ बाहर निकल गया। अब ये H+ जो बाहर निकला, यही निकलने वाला इलेक्ट्रोफाइल है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। H+ क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये H+ जाएगा किसके पास? AlCl4- के पास। H+ जाएगा, HCl बनाएगा और AlCl3 को बाहर निकाल। AlCl3 पहले यूज हुआ, एसोसिएट हुआ, फिर उसके बाद डिसोसिएट होके बाहर निकल गया। कोई भी चीज जो एसोसिएट हो और फिर बाहर उसी तरीके से निकल जाए, उसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट। लिख लीजिए, कहाँ छोड़ गया? कहाँ काफी सार इस रिएक्शन का? जैसी आपकी मर्जी, आपको जो करना हो, आप अपनी अपने रिजल्ट और अपनी चीजों के लिए आप जिम्मेदार हो। ठीक है, तो ये हेलोजिनेशन चाहे बेंजीन पे कराओ, चाहे टोलुइन पे कराओ, चाहे जिस पे भी कराओ, हेलोजिनेशन सेम टू सेम प्रोसेस से होगा। डार्क में होगा रिएक्शन, क्लोरीनेशन और ब्रोमीनेशन दोनों सेम प्रोसेस से होंगे। अगर ब्रोमो बेंजीन बनाना है तो भी यही प्रोसेस है ना। तो आगे एक हेडिंग लिख लीजिए, मतलब एक लाइन लिख लीजिए, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमीनेशन आर
सेम प्रोसेस, मतलब सेम प्रोसेस से होगा, वहां बी आर टू यूज कर देंगे, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन आर बाय सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस से हो, है ना। यानी कि ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो भी मैकेनिज्म सेम होगी, ये ले लिया, यहाँ पे बी आर टू ले लो, डार्क में रिएक्शन करा दो, एफ ई बी आर थ्री ले लो, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, सिंपली सेम मैकेनिज्म है, और एच बी आर, ठीक है। एफ ई बी आर थ्री यहाँ पे लुइस एसिड है, कैटेलिस्ट की तरह काम, तो क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन सेम, आयोडिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, आयोडिनेशन नोट कर लीजिए, आयोडिनेशन की मैकेनिज्म नहीं करनी है, रिएक्शन याद रखनी है, और डिफरेंस क्या है वो है। ये नोट हो गया तो नोट करिए जल्दी से। अगर आयोडिनेशन कराना है, मतलब आयोडो बेंजीन बनानी है, थोड़ी सी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। डिफरेंट क्या है देखो ध्यान से, जब आप बनाते हो, अभी नोट नहीं करो, देख लो, इसी प्रोसेस से आयोडीन लगा करके आप, मान लो आपने कोई लुइस एसिड ले लिया, डार्क में रिएक्शन करा रहा है, ठीक है, आयोडीन लगाते हो, तो यहाँ पे होता क्या है, ये आयोडोबेंजीन बन गया, वहां पे एस सी एल बन रहा था, एच बी आर बन रहा था, अब यहाँ पे बनेगा एच आई, ठीक है। तो ये रिएक्शन हम लोग देखते हैं कि ये रिएक्शन हो जाता है सीधे सीधे रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का मतलब है कि ये प्रोसेस दोनों तरफ होने लगा, आयोडोबेंजीन बना, एच आई बना, ये एच आई और आयोडोबेंजीन आपस में रिएक्ट करके फिर से बेंजीन और आयोडीन बना देते हैं। मतलब हम क्या बनाना चाहते हैं, हम बनाना चाहते हैं आयोडोबेंजीन, और हम क्या देख रहे हैं कि मान लो 2 ग्राम आयोडोबेंजीन बना, थोड़ा एच आई बना, फिर थोड़ी देर बाद देख रहे हैं वो आयोडोबेंजीन खत्म हो गया, फिर से बेंजीन और आयोडीन, हम उसी पे पहुंच गए। तो इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन कैसा हो रहा है, रिएक्शन कैसा है, रिवर्सिबल। तो अगर रिवर्सिबल है तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हम बनाना चाहते हैं आयोडोबेंजीन, निकालने गए रिएक्शन में से आयोडोबेंजीन, मिल क्या रहा है, बेंजीन, 2 ग्राम बेंजीन मिल रही है, 5 ग्राम चाहिए, 3 ग्राम आयोडोबेंजीन मिल रही है। तो ये इस रिएक्शन का क्या है, रिएक्शन इज अ रिवर्सिबल, और यही क्या है इस रिएक्शन का प्रॉब्लम। रिवर्सिबल होता क्यों है, देखो ये जो एच आई है ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरे को हाइड्रोजन दे सकते हैं इजिली, एच आई बनता है और फिर हाइड्रोजन दे देता है इसको, और हाइड्रोजन देते ही ये आयोडीन अलग हो जाता है और फिर से ये बेंजीन बन जाता है। मतलब ये एच आई तुरंत बनता भी है और फिर से इससे रिएक्ट करके फिर से बेंजीन और आयोडीन बना देता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना। तो आयोडिनेशन प्रोसेस का ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को अगर खत्म करना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक अच्छा सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल दो, एक एसिड होता है HIO3 वो डाल दो। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब डालते हैं तो रिएक्शन में जैसे ही एच आई बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके इसको I2 में कन्वर्ट कर देगा, किसमें कन्वर्ट कर देगा, I2 में। तो एच आई रहेगा ही नहीं, अगर एच आई रिएक्शन में बन रहा है और तुरंत खत्म हो जा रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, I2 में, तो I2 बनेगी, I2 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिएक्शन फॉरवर्ड होगा,
बैकवर्ड रिएक्शन हो ही नहीं पाएगा। मान लो ये दो प्रोडक्ट बन रहे हैं और ये दो प्रोडक्ट मिलकर के फिर से रिएक्टेंट बना दे रहे हैं, तो हमने क्या किया, एक रिएजेंट ऐसा लगा दिया जो इसको कैप्चर करके हटा दे रहा है, इसको HI के फॉर्मेट में रहने नहीं दे रहा। HI रिड्यूसिंग एजेंट है, इसकी वजह से रिवर्सिबल हो रहा था, अब HI को हम हटा देंगे एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लगा करके, तो आराम से हमको आइडोबेंजीन भी मिलेगा। तो ये नोट कर लीजिए, फिर प्रॉब्लम लिख देते हैं, प्रॉब्लम के बाद सॉल्यूशन लिख देते हैं। ये नोट हो गई स्लाइड, ये स्लाइड नोट करिए, फिर सॉल्यूशन लिखिए, फिर आपकी क्लास करते हैं। स्लाइड नोट कर लीजिए, अनिष्का नोट कर रही हो पक्का? अब देखो इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करेंगे। वी यूज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू रिएक्ट विद HI एंड फॉर्मेशन ऑफ I2। So, backward reaction is not possible. Backward reaction फिर नहीं हो पाएगा। हमने क्या किया, strong oxidizing agent use कर दिया, जैसे HIO3, इसको बोलते हैं periodic acid, HIO4 HNO3 यूज कर लो। ये क्या करेंगे, जैसे मान लो तुमने HNO3 यूज किया, तो ये HI से तुरंत रिएक्ट करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा I2। तुमने अगर HIO4 यूज किया, तो ये HI से रिएक्ट करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा I2, तो अपनी प्रॉब्लम हो जाएगी खत्म, HI बचेगा ही नहीं, HI विल कंज्यूम्ड। Then we get iodobenzene. हाँ, I2 के साथ NO2 बनेगा, इसमें और भी चीजें बनेंगी, लेकिन वो दिक्कत नहीं है, दिक्कत है HI से। आयोडीनेशन रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कराया जाता है, ब्रोमिनेशन क्लोरीनेशन आराम से हो जाता है। नोट कर लीजिए स्लाइड को, बैकवर्ड नहीं होगी तो क्या, हाँ केवल फॉरवर्ड फॉरवर्ड हो जाएगी, हमको आयोडोबेंजीन चाहिए, आयोडोबेंजीन मिल जाएगा। हाँ आयोडीन तो यूज ही कर रहे हो रिएक्शन में, जो निकलेगा वो यूज कर देंगे ना, फॉरवर्ड में आयोडीन चाहिए हमको। ठीक है, कर लिया, लास्ट एक और लाइन लिख लो और खत्म क्लास। क्लोरोबेंजीन की बात कर ली, ब्रोमोबेंजीन की बात कर ली, आयोडोबेंजीन की बात कर ली, फ्लोरोबेंजीन इस प्रोसेस से नहीं बनाते हैं, यानी कि क्लोरीनेशन नॉट डन बाय दिस प्रोसेस, नॉट डन बाय दिस मेथड, बिकॉज इट इज
एक्सप्लोसिव इन नेचर, ये वाला जो रिएक्शन है वो क्या होगा, एक्सप्लोसिव, विग्रस रिएक्शन होता है, बहुत फास्ट होता है, एक्सप्लोसिव। तो फ्लोरोबेंजीन इस मेथड से नहीं बनाते हैं, फ्लोरोबेंजीन के लिए दूसरे मेथड यूज करेंगे, ठीक है। आज की क्लास होती है आपकी समाप्त। मुझसे मिलेंगे तो मैं तो भर भर के